हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार, आप देख रहे हैं एमबी फिटनेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की टॉपिक है और काफ़ी लोगों को ही सवाल है कि हमें सैर फिट प्राइम फोकस डिश में हमें क्यूब एंड सैटेलाइट कैसे रिसीव करें। तो दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा और कौन सा आपको जुगाड़ करना है, क्यूब एंड आपको सैटेलाइट आपको रिसीव करना है, क्यूब एंड की सैटेलाइट कोई भी, तो आपको किस तरह से आप रिसीव करके देख सकते हो सैर फिट एंटेना पर, वो भी प्राइम फोकस डिश में। तो दोस्तों ये वाला है, यहाँ आप देख सकते हो। जब दोस्तों आप सैर फिट एंटेना जब लोगे ऑनलाइन, तभी दोस्तों ये साथ में मिल जाता है इस तरह से क्लियरिंग। ये दोस्तों आपको सैर फिट प्राइम फोकस डिश में क्यूब एंड क्लियरिंग लगाना है, तभी दोस्तों इसका सिग्नल आप क्यूब एंड की कोई भी सैटेलाइट आप रिसीव करके देख सकते हो। सी बैंड तो हो जाता है, लेकिन क्यूब एंड लगाने के लिए आपको इस तरह से आपको क्लियरिंग लगाना पड़ता है। ये वाले क्लियरिंग है दोस्तों क्यूब एंड की है, इसमें आपको क्यूब एंड की LMB लग जाएगी। और किस तरह से आपको लगाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों आपको सी बैंड में आपको क्यूब एंड LMB इस तरह से लगाएंगे, तो इसका सिग्नल आज की डेट में रिसीव नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें सेट भी नहीं होता है। और काफ़ी लोगों को ही सवाल है कि हमें क्यूब एंड की सैटेलाइट हमें सी बैंड सैर फिट एंटेना पर कैसे रिसीव करें। और ये सैर फिट एंटेना पर प्राइम फोकस डिश में मैं काफ़ी वीडियो में बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। लेकिन काफ़ी न्यू सब्सक्राइबर का ही सवाल है कि हमें सैर फिट प्राइम फोकस डिश में क्यूब एंड सैटेलाइट कैसे रिसीव करें। तो इस तरह से आपको लगा देना है, और यहाँ आप देख सकते हो ये मैं ब्लैक अल्ट्रा LMB यूज़ कर रहा हूँ। और एयरटेल की LMB आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा सिग्नल आप मिलेगा, नॉर्मल LMB में ज़्यादा सिग्नल आप रिसीव नहीं कर सकते हो। और इस तरह से लगा देना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको इसका रिसीव करना है, इसका सिग्नल। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक की।